प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है और जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी शिमला में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। अनुराग ठाकुर ने दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। साथ ही भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मरीज और उनके तीमारदारों को फल भी वितरित किए। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन के मौके पर बधाई भी दी। इसके बाद अनुराग ठाकुर रिज मैदान पर पहुंचे, जहां कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में भी शामिल हुए। 17 सितंबर आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है। मैं सभी हिमाचल प्रदेश के वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिनका जीवन संगठन से लेकर सरकार तक हर किसी के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने अपने जीवन में हर पल भारत माँ की सेवा के लिए व्यतीत किया है, जिनका हर क्षण राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए लगता है और जो नए भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर लेकर अग्रसर हैं, जिन्होंने भारत को हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, चाहे हमारी परंपराओं से लेकर कला संस्कृति की बात हो, उसको विश्व पटल पर पहुंचाने कर एक ऐसी नींव नरेंद्र मोदी जी ने रखी है कि नया भारत आत्मनिर्भर भारत भी हो और विकसित भारत भी। इसलिए एक ऐसा नेता जिनके जीवन से हम सबको बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है, और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि उनके नेतृत्व वाली सरकार में उनके साथ काम करने का अवसर मिल रहा है, सीखने का अवसर मिल रहा है। तो आइए 140 करोड़ देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएँ। अभी भी हमने अस्पताल में जो मरीज से उनको फल वितरित करके जहां उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है, वहीं उन सब ने भी अपनी ओर से नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट किया है कि आयुष्मान भारत योजना के चलते उनको भी मुसीबतों के समय मदद किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने। उनको पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। दो लोग मुझे अंदर मिले जो बहुत गरीब थे, रेडी फड़ी लगाने वाले, उन्होंने कहा हमें तो स्वनिधि योजना का भी लाभ नरेंद्र मोदी जी ने दिया जब संकट था कोविड का और हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, तब भी मदद के रूप में मोदी जी आए। तो आप कहीं पे भी जाइए, हर कोई कहता है कि मोदी जी ने सेवा भी की है और मुसीबतों से निकालने का कार्य भी। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की बयानबाजी और प्रियंका गांधी के दौरे पर भी पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करना बंद करें। मुझे विश्वास है अपने घर तक गई होंगी जरूर, कुछ और भी उन्होंने दौरा किया है, 2 महीने के बाद आई, अच्छा है हिमाचल के बारे में सोचा, शायद उनको ये पता नहीं या उनके सहयोगी ने बताया नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल को हर संभव मदद समय समय पर करने का काम किया और 862 करोड़ रुपया डिजास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से दिया है। तो वहीं पर हजारों करोड़ रुपए की सड़कें ग्रामीण अंचल में बनाने के लिए, मनरेगा के माध्यम से जितने घरों को और बचाया जा सकता है, रास्तों को बनाया जा सकता है, उसके लिए खुले तौर पर पैसा भी दिया है। जिनके घर टूट गए, 5,000 घर पहले दिए, अब 6,000 घर जो बिल्कुल कहीं से नहीं बनते थे उसके बावजूद वो भी मंजूर किए हैं। कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, छोड़िए कांग्रेस वाले ने धन्यवाद तो क्या करना था केंद्र सरकार का, हमने कभी कहा भी नहीं, लेकिन अपमानित तो करना बंद कर दो, राजनीति तो करना बंद कर दो। अगर आपदा के समय भी कांग्रेस राजनीति पर उतर आई है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा।
उन्होंने कहा, विपक्षी गठबंधन की ना तो विचारधारा मिलती है, ना ही इनके पास कोई विजन है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में बर्तन बजने शुरू हो चुके हैं, आने वाला वक्त बताएगा कि इस गठबंधन में क्या होगा। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा, चोर चोर मौसेरे भाई, एक दूसरे की पीठ बजाई। देखिए अभी तो ये आपस में बर्तन कितने बजेंगे आपको समय के साथ पता चलेगा, इनकी आवाज आएगी। हरियाणा पंजाब में आपने देख लिया, कई स्वर और उठने शुरू हो गए। इनकी ना विचारधारा एक जैसी है, ना इनके पास देश के लिए कोई विजन है। ये तो केवल भ्रष्ट लोग इकट्ठे हुए हैं, चोर चोर मुसेरे भाई, एक दूसरे की पीठ बजाई कि तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचाता हूँ, उसी काम में लगे हैं। इनके पास देश के लिए क्या रोड मैप है जी? कुछ नहीं है। ये इंडी अलायंस के लोग अहंकार और घमंड से भरे हैं, जो सनातन धर्म की अपमान और संविधान का अपमान करने में दिन रात एक किए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान अनुराग ठाकुर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधने में लगे हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।